किसानों का मेन मुद्दे क्या थे जी? किसान मुद्दे का 700 किसान तो मरती है वहाँ से। हाँ जी, यहाँ जिम्मेदार डूब का लगे मन नदी में जाए महालग नहीं पहुँचे। शैली चौधरी जी है, ये परिवार काम करने में विश्वास करते हैं। इलाके की समस्या को विधानसभा में शैली चौधरी ने उठाया है। तो रोजगार की तो बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पिछले 9-10 साल के जो बीजेपी की सरकार है, लगभग 30 के आसपास जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो लीक हुए हैं। आप नारायणगढ़ के चुनाव को आप कैसे देख रहे हो? पवन सैनी जीता जी। मैं दो प्लान सरपंच रहा हूँ, 2010 में भी और 2016 में भी। जितनी अमाउंट 2000 जो कांग्रेस के राज में आती थी, उसकी उससे 4 या 5 गुना डायरेक्ट खाते में रही है। पहले चेक के द्वारा सरपंच को पैसे मिलते थे, अब डायरेक्ट खाते में मिलती है। अर्थ प्रकाश देखने में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि हम हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, और आपको पता है कि हम प्रदेश के गांव स्तर पर जा रहे हैं और चुनावी सर्वे कर रहे हैं कि यहां के लोग क्या इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं। और आज हम खड़े हैं नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं श्रीमती शैली चौधरी, और भारतीय जनता पार्टी से पवन सैनी जी, और INLD बसपा से हर ब्लास जी। और आज हम पता करते हैं नारायणगढ़ के लोग इस चुनाव को कैसे देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? देशबंधु। देशबंधु जी, ये बताइए कि आप जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, उनको कार्यशैली में कितने नंबर दोगे? 100/100। अब हमने आपने 100/100 कह दिया, लेकिन आपको इस मंच से बताना ही पड़ेगा 100/100 क्यों? क्योंकि वो विपक्ष में थे, कांग्रेस में थे, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन आप 100/100 क्या किस बिहार पर कह रहे हो? वो हम बताएंगे। पहले तो अर्थ प्रकाश चैनल जो है उसका हम धन्यवाद करते हैं, और शर्मा जी आपका भी धन्यवाद करते हैं। आपने जो कहा कि 100/100 कैसे, ये परिवार शुरू से, पहले इनके पिताजी रहे हैं चौधरी रामकिशन जी के, 4 साल, 2 साल रामकिशन जी रहे हैं पीछे, अब ये श्री शैली चौधरी जी है। ये परिवार काम करने में विश्वास करते हैं। इस परिवार ने इलाके को रोजगार दिया है, इलाके की समस्या को विधानसभा में शैली चौधरी ने उठाया है। हम इनका MLA जी का जो काम था विधानसभा में आवाज को उठाना, तो उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई, इम्प्लाइज के लिए आवाज उठाई, महलों के लिए आवाज उठाई, मजदूर के लिए आवाज उठाई, तो सभी वर्ग के लिए इन्होंने आवाज उठाई। इसलिए और जितना बन पड़ा सरकार से लड़ाई की, सड़कों पे लड़ाई की, और काम भी करवाया अपने दम पर। काम तो पोजीशन में थे, छोटे मोटे काम तो चलो ये करा ही देते हैं। अच्छा। बाकी जो बड़े लेवल के काम थे, जैसे यहाँ कोई कॉलेज लाना, या मतलब कोई शुगर मिल की बहुत लड़ाई की उन्होंने। हाँ, शुगर मिल का पिछली बार मुद्दा उठाया था, मैं यहाँ पर आया था लोकसभा क्षेत्र में, शुगर मिल का। हाँ, वो कुछ हद तक ठीक हुआ? शुगर मिल का भी ठीक नहीं हुआ, अभी भी किसानों की पेमेंट बकाया है उस समय की, जो मई में हम आए थे जब, उस अभी बिल्कुल शुगर मिल की बहुत आवाज हमारी शैली चौधरी MLA ने उठाई है। जो विपक्ष का काम था उन्होंने बाखूबी निभाया है। यानी विपक्ष के काम को देखते हुए आप ये कह रहे हो कि उनको 100/100, इसलिए लोग उनको बनाते हैं। अच्छा, तो अब हमारे बीच में, नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? अमित वालिया। अमित वालिया जी, आप यहाँ पर चेयरमैन भी रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं 2010-15 में रहा हूँ, और वर्तमान में भी मेरी धर्मपत्नी जी यहाँ से चेयरपर्सन है। तो आप ये बताइए, आप चेयरमैन रहे हो यहाँ पर, कौन से आपकी धर्मपत्नी जो चेयरमैन है, इन्होंने काम कहा कि ये पेंडिंग है, तो उन्होंने कौन से काम कराए हैं जिसके बिहार पर आप अब जनता में जाकर अब अपना वोट मांग सकते हो? जो अभी बात रखी, और जैसे भी आप जनता में जाओगे तो आपको जनता की आवाज़ से कंफर्म हो जाएगा अभी कितने लोग इस परिवार को चाहते हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, विकास और रोजगार, जो दोनों में इस परिवार ने बढ़ चढ़कर लोगों के यहाँ के क्षेत्र का विकास किया, और रोजगार के कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चे इनके जो पिछले कार्यकाल है उनमें बच्चे लगे। तो इसी तरह हमेशा इस क्षेत्र की जो हमेशा चिंतित रहते हैं, और इस क्षेत्र की सोच रहती है इस क्षेत्र के विकास के लिए। तो आपने जैसे लोकसभा में भी परिणाम देखे होंगे, लोकसभा में भी जनता ने इस परिवार का और कांग्रेस का पूरा बढ़ चढ़ कर साथ दिया, और लगभग 20-22 हज़ार वोटों से लोकसभा में कांग्रेस यहां से जीत कर गई। अच्छा देशबंधु जी, इन्होंने कहा कि 20-22 हज़ार की लीड थी, तो इसको आप, इस लीड को आप कैसे देखते हो आप अब इस विधानसभा इलेक्शन के अंदर? विधानसभा में तो एक तरफा लहर है, कोई मुकाबला है ही नहीं। क्या कारण है आप कह रहे एक तरफा लहर है, ये बताइए। ये मैंने बताया कि लोग विकास करते हैं, इलाके का ध्यान रखते हैं, दुख सुख में आते हैं, रोजगार देते हैं लोगों को। तो आप ये बताइए कि विकास करते हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर विकास हुआ, इसका मतलब आपने कहा विकास करते हैं? हम अपोजिशन में थे, हमने आवाज उठाई है,
जितना हमारे से अवार्ड ठाके मिला हमने किया। अब हम बात करते हैं रोजगार की। हाँ आइए बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कपूर है जी। और हमारे बीच में हेमंत कपूर जी हैं जो यूथ हैं, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कहा है अब चेयरमैन साहब ने कि यहाँ पर रोजगार लगा है, आप ये बताइए इन्होंने जो कहा उस बात को कहाँ तक आप देखते हो? सर अगर पिछले 10 साल की बात करी जाए बीजेपी सरकार के अंदर, तो रोजगार की तो बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पिछले 9 साल 10 साल के जो बीजेपी की सरकार है, लगभग 30 के आसपास जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो लीक हुए हैं। बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर दे के आते हैं, उनकी क्या गलती होती है, वो लीक हो जाते हैं, उनके अंदर फ्रॉड पाया जाता है और उनका रिजल्ट ही नहीं आता है। तो जब रिजल्ट ही नहीं आएगा किसी पेपर का तो वो कैसे लगेंगे? गवर्नमेंट कह रही है कि हमने बगैर खर्ची पर्ची नौकरियां दे रहे हैं, तो नारायणगढ़ क्षेत्र में देशबंधु जी आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी यहाँ पर थे, नायब सिंह सैनी जी, ठीक है जी, जो आज लाड़वा से लड़ रहे हैं, उस बात में बाद में आएंगे। तो ये लोगों को नहीं रोक, ये कह रहा है कि पेपर लीक आउट हो रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमने बगैर खर्ची पर्ची दी है, तो बेटा फिर ये इसमें सच्चाई क्या है? सर ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि 9 साल के अंदर अगर आप सर्च करेंगे तो 30 के आसपास जो पेपर है वो लीक हुए हैं। जो गवर्नमेंट कह रही है हमने कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए, वो कैसे हो गए? सर वो गवर्नमेंट जो है झूठ बोलती है, जुमलों की सरकार है, झूठ बोल के जो है वोट लेना चाहती है। लेकिन अगर हम धरातल पे बात करें तो धरातल पे कुछ नहीं है, बेरोजगार है युवा, नशे की तरफ है, नशा चरम पर है पूरे हरियाणा में, डेली जो है नशे से मौत हो रही है। तो आप ये बताइए जो मौजूदा विधायक इलेक्शन जीतेंगे, देखो कोई भी जीत सकता है, तो आप उनसे कौन से काम है जो प्राथमिकता पर कराना चाहोगे एज ए यूथ? एज ए यूथ सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ रोजगार, रोजगार एक मुद्दा है। अगर कोई बच्चा बीटेक पढ़ता है उसको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी जो है उसकी दी जाए उसको, और उसका रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो मुद्दा हरियाणा के अंदर चला हुआ है नशे का है, आप चारों तरफ देखेंगे नशा जो है चरम सीमा पर है, उस नशे को खत्म किया जाए। नशा जो है यूथ को बिल्कुल खत्म कर रहा है, ना वो पढ़ पा रहे हैं और नशे की वजह से उनकी मौतें भी हो रही हैं। तो दो जो मेन जो मैं समझता हूँ, एक तो रोजगार और दूसरा नशे को खत्म। तो आप चेयरमैन साहब हो जी, आपके मिसी चेयरमैन है यहाँ पर, इस बच्चे ने दो बातें कही हैं, ठीक है जी, तो आप ये दो बातें कहाँ तक सार्थक है, क्योंकि आपके मिसी चेयरमैन है इस एरिया के मौजूदा, ठीक है ना, तो अगर ये सार्थक है तो आप तक भी बात पहुंची होगी, तो उस पर आपने क्या कदम उठाए? इस व्यवस्था बिल्कुल जो अभी मेरे छोटे भाई ने जो बात रखी, हमारे शहर में भी नशा चरम पर है, बल्कि सारे हरियाणा में ही है, जो सबसे बड़ा कारण है बच्चे को रोजगार नहीं मिला और बच्चे बाहर की तरह पलायन कर रहे हैं। आप देखो हर क्षेत्र में, नारायणगढ़ से भी हर परिवार में इस तरह की मतलब संभावना है, हर परिवार से एक बच्चा बाहर फॉरेन की तरफ जा रहा है अपने रोजगार के लिए और नशे के लिए। समय समय पर आवाज उठाई और हमने प्रशासन से भी मिले, परंतु किसी तरह की नकेल नहीं कसी जा रही है सरकार पर। तो आप हमारे बीच में अपने बुजुर्ग डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? डॉक्टर सुरेश दीमान। दीमान साहब आप ये बताइए कि आपके पास तो बहुत क्लिनिक पर आते होंगे लोग, क्योंकि इन बच्चों ने मुद्दा उठाया नशे का, जब नशा होता तो बच्चे बीमार होते हैं यूथ, तो आज के दिन आप इस यूथ को किस दृष्टि से देखते हैं? जो बेटे ने बताया बिल्कुल सही है, नारायणगढ़ शहर में जो है बहुत इस टाइम नशे का कारोबार चल रहा है और सब प्रशासन की और सरकार की मिलीभगत से चल रहा है। और मैं 94 से 22 तक लगातार एमसी रहा हूँ, मेरे को सारी नॉलेज है यहाँ। एमसी रहा हूँ 28 साल तक, तो सरकारें सारी देखी हैं, भजनलाल की भी देखी, बंसीलाल की भी देखी, चौटाला की भी देखी। आपको एक्सपीरियंस होगा आपको। हाँ, एक बार बीच में चेयरमैन भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। तो मतलब सरकारें सारी देखी, जितनी निकम्मी सरकार बीजेपी सरकार आई, इतनी निकम्मी सरकार मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखी। कारण क्या जी इस एरिया का, जो जबकि आपका ये जो एरिया है अपने कालांब से अटैच हो रहा है, यमुनानगर से अटैच हो रहा है, जमीन उपजाऊ है यहाँ पर, आपके यहाँ पर राइस मिले भी हैं, है ना? हाँ, राइस मिले भी हैं, तो इतना कुछ होते हुए तो एमएलए ने आवाज उठाई नहीं विधानसभा के अंदर कभी भी? ऐसा एमएलए भी आए होंगे ना? हाँ, ऐसा है जी, जब तक चौधरी रामकृष्ण का परिवार, पहले इनके पिताजी चौधरी लाल सिंह जी एमएलए रहे हैं, बहुत अच्छा काम करा, जो काम उन्होंने कर दिया उनकी तो बीजेपी ने आज तक रिपेयर तक नहीं करवा सके हैं। जितने काम, अब तो कौन सा काम बड़ा कराया राम अपने चौधरी लाल सिंह? चौधरी लाल सिंह ने सबसे पहले तो यहाँ पानी की समस्या थी पूरे इलाके में। अच्छा जी, मतलब कुओं से पानी भरते थे लोग। अच्छा जी, सबसे पहली बीमारी तो वो काटी उन्हें। अच्छा जी, हर घर में टूंटियां लगवाई। आपने देखा होगा वो जमाना भी चौधरी लाल सिंह? देखा जी, देखा बिल्कुल देखा, हम छोटे थे, घर भी आते थे हमारे चौधरी साहब। कॉलेज उनकी देन है, जो सरकारी कॉलेज है, ये सिविल हॉस्पिटल उनकी देन है। अच्छा जी, उनकी रिपेयर तक नहीं कर सके हैं।
चौधरी रामकिशन ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अच्छा जी। अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ा विकास के मामले में। अच्छा, उन्होंने सेक्रेटरीट दिया यहाँ। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, रामकिशन जी ने पूरी सच्चाई है, आंकड़े बोलते हैं, मतलब ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। बस स्टैंड दिए, रेपुरानी पावर हाउस दिया। उन दोनों में कौन सी एक बात लगती है जिसको आपको लगता है कि हमारा अपना परिवार है? कोई काम करने की, काम करने की इच्छा दोनों में एक से बढ़कर एक है। यानी काम करने की भूख है अंदर, भूख पूरी नहीं हो रही। मतलब एक आपने कहे थे फूट की बात पार्टी में, वो बताइए। बड़े बड़े लीडर कल आ रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे, प्रियंका जी आ रहे हैं, कल शैलजा जी आ रहे हैं, बताइए। कल आ रहे हैं हमारे श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, हुड्डा जी आ रहे हैं, शैलजा जी आ रही है। अच्छा, तो सभी एक मंच पे आ रहे हैं कल। आइए आप, आइए, इनका इनकी बात आप पूरी कर दीजिए। बिजनेसमैन की तो आम डिमांड ही है कि जीएसटी का सरलीकरण हो। अच्छा जी। आज जो दुकानदार लोग हैं, जो बच्चे वो अपना कम पढ़े लिखे बच्चे, वो आदमी अपना बिजनेस में आते हैं बच्चे उनके। अच्छा, लेकिन आज की जो इतनी जटिल प्रक्रिया इनकी जीएसटी की, वो उसको पूरा नहीं कर सकते और बाद में उनको जुर्माने के रूप में मोटी मोटी राशि देनी पड़ती है। अच्छा, तो सरकार से हमारी कांग्रेस पार्टी से भी ये अनुरोध होगा कि जीएसटी के बारे में सरलीकरण किया जाए। अच्छा, जो भी सुविधा दुकानदार को दे सकते हैं वो दें। जीएसटी जो दुकानदार है वो मैक्सिमम अपने टैक्स पेयर है सरकार के लिए, तो इसमें सुविधा देंगे तो सब लोग साथ होंगे। और अब के व्यापारियों का रुख, मैक्सिमम रुख अपने कांग्रेस के साथ है। तो आप भी ये बताइए, यहाँ पर किसान भी है कोई? किसान, किसान ये तो हो गए जी, ये भी किसान भी है जी। ओ, पता है, किसान है, हो गए, हो रहा कि भी बारी आन दो। हाँ, किसान भी है कोई भाई? किसान काका, तो किसान है, किसान कौन है यहाँ पर बता दो भाई। आज तो आप, अच्छा आप ये, हाँ किसान कौन है? आ जाओ, वेट करें आप, आ जाओ। अब सारे मुद्दे उठा कर जाएंगे ना जी। हाँ, तो काम पूरा ही होना चाहिए। हाँ ठीक है ना जी। डॉक्टर साहब भी आ गए, प्लाईवुड वाले भी आ गए, देश बंधु जी ने बात रख ली, उस लड़के ने नौजवान की बात रख ली, ठीक है, इन्होंने डेवलपमेंट की बात रखी चेयरमैन साहब ने, ठीक नहीं जी। अब इन्होंने भी रख दी दीमान साहब ने। अगर हम किसानों की बात नहीं करें, किसान कहेंगे हमसे पूछा ही नहीं है भाई, चले गए। हाँ आइए जी, आइए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सामने देखिए, सामने देखिए, टीवी पर देखो। नायब सिंह। नायब सिंह, ओ इधर किमें आ गए? और नायब सिंह देखो, नायब सिंह दूसरे रूप में आ गए हैं यहाँ पर। हाँ नायब सिंह जी, अब ये बताइए। हाँ जी भाई, अब आपसे क्या पूछे जी, इन्हों कह रहे काम नहीं हो रहे। अब नायब सिंह जी आप हो? हाँ जी। हाँ, ये किसान सबके बात पूछे, किसानों की भी। नायब सिंह जी। हाँ जी, तो अब ये बताइए, बोलो कि कौन कौन से किसानों के मेन मुद्दे क्या थे जी? किसान मुद्दे का 700 किसान तो मर दिए निवासी। अच्छा, हाँ, सिंधु बॉर्डर पा। हाँ, जब मांग आप भी गए थे पंजाब के किसानों के साथ खड़े थे वहाँ? हाँ, वहाँ गए थे, दिल्ली गए थे जी। हाँ, चलो एक बात है, किसान आंदोलन ने पंजाब और हरियाणा का भाईचारा तो बना दिया। हर आंदोलन में कुछ ना कुछ फायदे भी होते हैं। अच्छा आप कहिए, किसानों की कौन सी मांग थी? अच्छा एक सुनो, एक बात है, पिछली बार में आया था किसान यहाँ के, ये कह रहे थे जो आपकी शुगर मिल नहीं है यहाँ पर यमुनानगर वाली, हाँ उसके पैसे वगैरह नहीं जाते, एक जमीन ने एक्वायर के तो उसके पैसे नहीं मिले, ये बात बताइए कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई है जी, पूरी है ना, जिमीदार गन्ने कर का तो जिमीदार नदी में डूब का मरने लग गया। शुक्र मिला, वो मुद्दा भी काफी रहते हैं। हाँ जी, यहाँ जिमीदार डूब का लगे मन नदी में महालगनी पहुंचे। आपका नाम? मंगूराम जी। मंगूराम जी कहाँ रहते हो? यहीं पर रहता हूँ, नारायणगढ़। यहाँ पर नारायणगढ़ में जी। ये बताइए जो मौजूदा सरकार ने कौन कौन सा काम किया, क्योंकि आपके नारायणगढ़ से चाहे मुख्यमंत्री नायब जी जहाँ मर्जी चले जाएं, लेकिन बजेंगे वो नारायणगढ़ के ही, जहाँ मर्जी चल जाए, चाहे कर्नाटका में चल जाए। तो आपको तो बहुत उम्मीदें होंगी जो बने थे, खुशियां भी होंगी, मुबारकबाद देने जाते होंगे, हक होता है जन्मभूमि का। तो ये बताइए कि नायब जी ने कौन सा काम किया नारायणगढ़ के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए, आदरणीय हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रदेश के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं, क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, 12 मार्च को उनको मुख्यमंत्री का पद मिला और 14 तारीख को उन्होंने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के बाद उनको मात्र केवल 56 दिन का कार्यकाल जो काम करने का मिला, क्योंकि बीच में लोकसभा का चुनाव आया, उसमें आदर्श आचार संहिता लग गया, वो भी लंबे समय के लिए लग गया था। उसके बाद फिर कुछ समय मिला
उसके बाद फिर विधानसभा आचार संहिता। तो कौन सा काम हुआ बड़ा? मैं बता रहा हूँ जी आपको, तो उसमें 56 दिन मात्र काम करने का समय जो मुख्यमंत्री जी को मिला, मुख्यमंत्री जी ने 56 दिन के अंदर 126 योजनाएं हरियाणा प्रदेश की जनता को समर्पित करने का काम किया, जिसमें किसान वर्ग भी है, युवा वर्ग भी है, महिला वर्ग भी है, हमारे सभी वर्ग उससे जुड़े हुए हैं। 126 योजनाएं प्रदेश की जनता को समर्पित करने का काम किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। सैनी, तो अब ये बताइए कि वो आए हैं तो अब यहाँ की जनता जो है उनको किस दृष्टि से देखती है? वो ये तो नहीं चाहते थे कि नायब जी आए थे तो और अच्छा होता, पवन सैनी आ गए तो थोड़ा सा ऐसी बात है कि बाहर के कैंडिडेट इधर आ गए, ऐसी कोई बात नहीं चल रही? नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं चल रही है जी। पवन सैनी जी बहुत अच्छे हैं विधायक, जहां से संगठन ने जो भी ऊपरले संगठन ने जो भी कैंडिडेट उतारा नारायणगढ़ विजय है उसको हमें जिताएंगे। अच्छा, अब हमारे बीच में आ गए नौजवान कहां गए भी? हाँ जी, आजो। हाँ जी, हाँ बेटे, तेरा नाम क्या है? योगेश। योगेश, हमेशा जो अपनी गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर है ना, वो कहते हैं हमने बगैर खर्ची पर्ची नौजवानों को रोजगार दिया। ये भाई साहब एक बात कहना भूल गए थे कि नायब सिंह सैनी ने कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का किया, ठीक है, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। हम जो बात कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे, जो आंकड़े सरकार के हैं वो बता रहे हैं। वो जो बच्चे पक्के हुए हैं पक्के बच्चे इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? और ये बताइए, दूसरा प्रश्न ये है कि जो बगैर खर्ची पर्ची नौकरियां लगी हैं वो कहां तक सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा बोलिए जी। बिल्कुल सही है, हमारे गांव में काफी लगे हैं बिना पर्ची खर्ची से लगे हैं। जो पुरानी सरकारें थी, अगर मान लो इनके घर से कोई लग जाता तो वो उसको सारी उम्र यही कहते हमारा बच्चा आपने लगवाया, हमने लगवाया, तो सिर्फ उस पर वोट मांग रहे थे। अब ऐसी कोई बात नहीं है, बिना पर्ची बिना खर्ची से। अच्छा, आपने बगैर खर्ची, अभी मैंने हम पहले भी गए थे वहां पर, उन्होंने ये कहा था कि बगैर खर्ची पर्ची नौकरी तब लगेगी जो पेपर ही लीक आउट होते रहे हरियाणा के अंदर, जो पेपर ही लीक आउट हुए हैं, तो बगैर खर्ची पर्ची कैसे बच्चे लग गए? नहीं, पेपर कौन सा लीक हुआ हरियाणा में? जो पेपर हो रहे थे लीक आउट तो हुए हैं काफी। कौन सा हुआ? बहुत पेपर लीक आउट हुए हैं। नहीं, कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, आपको पता नहीं होगा। अच्छा, आप ये भैया, आपके गाँव में से कितने बच्चे पक्के लगे? मेरे गाँव में 5-6। कौन सा गाँव है आपका? भूरेवाड़ा। भूरेवाला से कह रहे कि पक्के बच्चे लगे हैं। और हमारे बीच में ये बैठे, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? करण सिंह जी। करण सिंह जी, कहाँ रहते हो? मोवा खड़ी है, नारायणगढ़ में। हाँ जी, नारायणगढ़ मोवा खड़ी। काम क्या करते हो? मैं पब्लिक हेल्थ में हूँ जी। पब्लिक हेल्थ में। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके गाँव में जो पीने के पानी की फैसिलिटीज हो रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी हो रही है, घर घर अपना सबके कनेक्शन लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना पानी से कोई नहीं रह रहा आज के टाइम में। हाँ जी, आप आइए जी। हाँ जी, आप नमस्कार, क्या नाम है जी? रघबीर सिंह जी। कहाँ रहते हो? फिरोजपुर जी। फिरोजपुर पंजाब में तो नहीं? ना, हरियाणा में यहीं है। ये कहाँ पर है? काठी माजरे के पास है, गुरुद्वारा टोका साहब। हल्का नारायणगढ़ जी। नारायणगढ़, आप नारायणगढ़ के चुनाव को आप कैसे देख रहे हो? चुनाव पवन सैनी जीतेगा जी। पवन सैनी क्यों जीतेगा? क्योंकि विकास काम करे ना, क्योंकि वो लाड़वा से इधर आए हैं, लाड़वा से आए हैं, इंटरचेंज हुई है आपकी सीट, जो नायब सैनी उधर चले गए, पवन सैनी इधर आ गए, वो कोई फर्क नहीं है जी। हाँ जी, पवन सैनी जीतेगा जी, क्योंकि मजदूरों के लिए बहुत काम करे जी। आप मजदूर हो? हाँ, मजदूर हैं जी हम। अच्छा, ये तो मजदूरों के लिए क्या काम किया? सबसे ज्यादा पैसा दिया जी सरकार ने। अच्छा, मजदूरों के लिए जी। अच्छा, अब हम बात, अच्छा अब हम आइए, आप आइए। दो तीन मांगे थी, एक आपकी एनडीसी वाली जी। थी ना जी। एनडीसी कहते हैं उसको, एनडीसी नारायणगढ़ जिला बनेगी। जो नारायणगढ़ जिला की बात की तो हमें उधर से पता चला है कि उन्होंने ये कहा है कि जो नायब जी आए थे उन्होंने कमिश्नरी हटा दी थी, तो इस बारे में कहा सच्चाई है? नहीं जी, कमिश्नरी तो नहीं हटाई है जी, इसलिए तो वो झूठ बोल रहे हैं ना। कमिश्नरी कैसे हटाई है? उनका तो जो भी बातें वो बोलते हैं कांग्रेस वाले के ही काम है झूठ बोलने। तो आप सच बात बताइए। हाँ जी, सच बात ये है जी, यहाँ तो अभी सभी नायब जी ने जितने भी कार्य किए हैं बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और तभी जब इसने अच्छे कार्य किए हैं, जब ऊपरले संगठन ने इनको पहले अध्यक्ष बनाया और फिर मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि बहुत जल्दी प्रमोशनें हुई हैं। सिर्फ हरियाणा में एक ही शख्स है जिसकी प्रमोशनें बहुत जल्दी हुई हैं, साथ के साथ अध्यक्ष, साथ के साथ मुख्यमंत्री। हाँ, अब ये बताइए कि अगली प्रमोशन होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी जी। अगली प्रमोशन क्या होगी? वो अगली प्रमोशन यही होगी, मुख्यमंत्री बनेंगे वो। मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, बिल्कुल, पूरी अपने पूरी सीटों के। तो आप हमें ये चाहिए। हाँ, आप आइए, कल को यहाँ पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं जी, है ना, प्रियंका गांधी आ रही है, उसको आप क्या देंगे? उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मजबूत होगा जी। अच्छा, इन्होंने कहा कि इलेक्शन मजबूत होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आइए जी, आप ही आइए। हमेशा विपक्ष ये कह रहा है कि नायब सिंह जी पहले नारायणगढ़ थे, फिर कुरुक्षेत्र चले गए, फिर करनाल चले गए, फिर लाड़वा चले गए,
जनता में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है जी, क्योंकि 24 घंटे बिजली मिली है, जिम्मेदारों के पेमेंट सही है। अच्छा, आपकी ये नारायणगढ़ जो शुगर मिल है इसका मुद्दा उठ रहा है हमेशा, तो इसके बारे में क्या किया, क्या सोचा था जी? इसमें ऐसा है जी, क्योंकि ये प्राइवेट मिल है, इसके काफी किसानों के पैसे भी फंसे हुए ना। नहीं जी, ऐसा चक्कर है जी, क्योंकि प्राइवेट मिल का ऐसा चक्कर हुआ जी, कोई जो मालक हो ना, सही ढंग का मालक हो, पहले जो सही ढंग का तो सही पेमेंट हो जाती, अब दो तीन पार्टनर हो जाए जी, कोई अपना पेमेंट में थोड़ी देरी हो जा तो साल के अंदर अंदर तो पैसा क्लियर हो जा, जब मिल चलता है तो पेमेंट साथ के साथ हफ्ते में कर देते हैं, थोड़ा पैसा रुक जा तो सीजन शुरू होने से पहले पेमेंट हो जा। हमारे बीच में किसान भी जुड़ चुके हैं जो इसी एरिया के हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव मेहता है, गाँव लखनौरा है मेरा। लखनौरा आपका जी? मेरा गाँव हंडीखेड़ा, जीदार सिंह नाम है। जिला छोटा जी? श्याम लाल नाम है जी, कौन खड़ौली। अब आप हमें ये बताइए किसानों के बारे में ये सरकार क्या सोचती है? किसानों के बारे में बहुत कुछ सोचा है और करके भी दिखाया है। जब से श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम बने हैं तब से हमारे लिए बहुत सी स्कीमें किसानों के लिए आई हैं, जैसे पहले तो 6,000 रुपये जो हमारे को एक पेंशन के रूम में मिलती थी किसी भी सरकार ने दी, और डायरेक्ट हमारे खाते में आ रही है, वो बहुत बड़ी स्कीम है। चाहे वो दो कनाल का जिम्मेदार है, चाहे वो एक किले का, सबको एक अमाउंट मिल रही है। उसके बाद अपने श्री नायब सैनी जी जब से पैसे आ रहे हैं किसानों को खातों में, सब खाते में आ रहे जी, खाते में वहाँ पैसे बाद में मैसेज पहना आ जा, पैसे पैसे भी हाँ मैसेज भी फोन देखेंगे ना, कह रहे आवा, ठीक है पैसे आवा भी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा आप खेती करते हो जी? हाँ जी। एमएसपी के बारे में वो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी उन्होंने वो तो कर दी लेकिन सैनी की जी नहीं। एमएसपी की बात करें, पहली एक ऐसी सरकार है हरियाणा में जिसने एमएसपी सरकार हम जिम्मेदारों को दिया, वो अंतर योजना है। हमारा आलू पहले सड़कों पर रुलता था, आज अगर एमएसपी ना होती आज आलू की कदर है, प्याज की कदर है, पहले कौन सी स्टेट में, यहाँ हमारे पास पंजाब है दिखा दो, उसमें वो अंतर योजना के तहत हमें किसान को पैसे मिल रहे हैं। अगर सपोज करो किसान का 3 रुपये आलू बिकता है तो सरकार उसको अपने पास से 3 रुपये देगी, 6 रुपये में पर केजी के हिसाब से आलू मिल रहा है, क्यों नहीं एमएसपी का दाम? और पहले जब वो कह रहे फसलों पर जो कहा था ना वो सैनी हुए, अभी गारंटी नहीं थी जी, नहीं गारंटी तो तब होगी जो हमें ना मिल रहे हों, हमें मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी मिल रहे हैं जी, मिल रहे हैं, झूठ ना मत बोलना, सच ना 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 मिल रहे हैं। हाँ जी मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, पक्का? हाँ जी हाँ जी, अरे पंजाब में सूरजमुखी 2,500 रुपए बिकिया, 2,500 रुपए बिकिया पंजाब में, हरियाणा सरकार ने 1,000 रुपए क्विंटल का बोनस दिया, बोनस मिला 4,500 रुपए तो मंडी में बिकाती, और 1,000 रुपए का बोनस जिम्मेदार खाते हैं जो पैसा है। हाँ मैं भी जिम्मेदार हूँ, कांग्रेस झूठ बोल रहा है, बात हो आज महंगाई हो जो आलू महंगा हो जो प्याज महंगा हो जो महंगा क्यों आ गया, जब उसकी शॉर्टेज हो जाएगी फसल बर्बाद हो जाएगी बरस में, अडवाइस तो बनाता नहीं है, या तो सरकार ऑर्डर करा दी भाई आलू बनाओ समय या प्याज बनाओ, अरे एक फल 3 महीने से पहले किसी जिम्मेदारी तैयार नहीं होती, अपोजिशन वाले इनका जिम्मेदार जनता का बेवकूफ़ बने रहे हैं। तो आप बता रहे हो लोगों को लोगों का हमारी पूरा जिम्मेदार जो है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा मुझे एक चीज बताना, अच्छा वो तो खुश ठीक है जी, खुश अब ठीक है, मुझे ये बताओ जो नायब जी बने थे सरपंचा का काम उन्होंने कितना सी, तो उसका सरपंच खुश है? सभी सरपंच। मैं 2 प्लान सरपंच रहा हूँ, 2010 में भी और 2016 में भी, जितनी अमाउंट 2000 जो कांग्रेस के राज में आती थी उसकी उससे 4 या 5 गुना डायरेक्ट खाते में रही है। पहले चेक के द्वारा सरपंच को पैसे मिलते थे, अब डायरेक्ट खाते में मिलती है। कोई भी कमी गांव में विकास के कार्य की बात करूं, तकरीबन हर घर में गाँव में नॉलेज सेंटर बन रहा है, हर घर में कम्युनिटी हॉल बन रहा है, ब्याह शादी दुख सुख के सभी कार्य है अपने गांव में कर रहे हैं, जो सुविधा शहर में थी वही अब गांव में हो रही है। सरपंचों को पैसा आ रहे हैं मैं ये कह रहा हूं कि सरपंचों के पैसे आज हम आप खाता चेक करवा लो, किसी के खाते में पैसे की कमी नहीं है, सभी गांव में काम लग रहा है, चाहे वो गली से संबंधित है, चाहे वो नाली से संबंधित है, चाहे वो बिल्डिंग से संबंधित है, सरप्लस पैसा सरपंचों के खातों में आज भी पड़ा है। सेंटर से डायरेक्ट एक FFC की 16 फाइनेंस की ग्रांट आ रही है जो बहुत ही बड़े हर एक एक व्यक्ति के हिसाब से मिल रही है। तो आपने ये बताया, हाँ जी हाँ, क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सरपंच साहब, सरपंच साहब कौन है? मेरे गाँव में 15 साल से ना कांग्रेस का सरपंच है,
15 साल से कांग्रेस छोड़ो सुन तो नहीं जन मेरी बात सुन पहला 15 साल मरा एक दिन भी मिस्त्री के हाथ में करनी दिख रही मेरे गाँव में और खेत में जाकर देख सुन हो रहा है काम खेत में गोरियां पक्की कर दी पक्की हो गया अच्छा जी सही है जी सच सच बात ये पूरा पैसा है। हाँ भाई एक गल दसो इधर ओ उरे सारे कह रहे हैं एक पंजाबी समझ रहे हो ठीक है उरे सारे बंदे कह रहे हैं नशा वो बिकता है नशे की क्या कहानी दसो नहीं नशा का तो ऐसा कुछ नहीं है ये तो गलत नारायणगढ़ में नशा कोई नहीं है आहो हाँ नारायणगढ़ में कोई नशा नहीं आया चाहे बकवास करी जो कोई जो तो पार्टी बदनाम कर रहे इनके पल्ला कुछ नहीं आया कांग्रेस के पल्ला कुछ नहीं आया मनु मेरी ये कांग्रेस के जो भी विधायक रहे हैं अब मौके पर ऐसे 15 दिन पिकनिक के लिए यहाँ आए हैं घूमने फिरने के लिए और लोगों को बुलवा के आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंबरदार बलवीर सिंह कुराड़ी पिंड कुराड़ी नहीं नहीं ये तुम अद्धे अद्धे पिंड तो सामने हुए हैं कमाल साढ़े पंजाब अद्धे पिंड इतने भी कुराड़ी है पंजाब तो है वो अलग है लेकिन अपनी कुराड़ी यही है नारायणगढ़ के अंदर ही है और यहाँ जो काम हुए है ना गरीब लोगों के भी बहुत काम मले स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर भी इतना वो नाले ये तो कहते कहते उरे कहते हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है ये तो अब विधायक बैठी है ना तो इसने खुला दरबार लगाया ना गरीबों का काम देखा वो तो करी मैं तो विपक्ष के हूं विपक्ष के हूं मेरा है नहीं कुछ जब है नहीं वो अनपढ़ गुवार ऐसी बैठा दे हमारे ऊपर फंड तो उसके पास भी आया जो चाहा 1-1 करोड़ दिया फंड तो उसके पास भी आया मैंने आज उसकी शक्ल नहीं देखी 5 साल में भी कौन सी सर लिया चाहे मेरे द्वारा खड़ी हवा आज तक किसी के बोलूंगा बोल हाँ आजकल किसी के दुख सुख में नहीं गई और 5 साल नहीं उखाड़ नायब जनता सी हाँ जी नायब बिल्कुल किसी का दुख सुख की बात करे आदमी किसी का पशु मारा उसमें जानते हैं और क्या बात करे आप अभी 56 दिन के अंदर मान लिया 126 काम जो उन्होंने वो करे हैं उनके अंदर वो काम भी दिख रहे हैं वो चल भी रहे हैं हर पंचायत के अंदर पैसा भी डाल दिया और आगे की भी बता रहे हैं कि गांव के अंदर जो है हर चौक के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगेगा और सोलर सिस्टम से पूरे गांव को तब लगूंगा जब वोटा पाऊंगे बहुमत पाऊंगे 2014 का लाख बिल्कुल सरकार क्या चीज़ है कहते सीसीटीवी कैमरा तभी लगू जो 46 बंदे आनगे आनगे वो 46 56 की बात कर 56 की बात कर तो 56 सरपंच साहब ही 5-7 फालतू देते मेरी उम्र 73 साल की हां हां मैं 73 बंदे लेने हैं मन्ने मेरी सुन बात हूं 73 सिक्टा लेनी है रोबरिंदर मन्ने देखा रोबरिंदर सक रोबरिंदर की सरकार मन्ने देखी भगवत दयाल शर्मा की मन्ने देखी भजनलाल की मन्ने देखी उड्डे की मन्ने देखी बड़े कमर हुआ मैं पूर्व सरपंच 78-88 तक सरपंच रहा मैं हाँ 24 साल का था मैं सरपंच बनाया कमल ने मेरे में कोई खास चीज तो भी बनाया मेरे पास परसों भी मैसेज आया उसका राम किशन का कि कोई तेरे जैसा भी जा कहा सरपंच साहब के मनु मिले जाए मैंने कहा मेरे बारे मन आ जाइए ठीक है नहीं वो तो आपकी अपनी वो अपनी मारी अपनी जो जहाँ खड़े है ना स्टैंड आ उसमें 43-47 साल मना 1970 से लगा था मैं 3 साल तो रहा जनसंघ में जब जीवे का निधान हुआ जनसंघ में रहे हो आप ना 3 साल रहा मैं जनसंघ में 70-80 तक जिस दिन जनता पार्टी टूटी है ना 1980 में भाजपा बनी है 6 अप्रैल में हाँ बॉम्बे में मैं तो जिम्मेदार आदमी मैं नहीं पता 6 अप्रैल दिया 5 दिया क्या थी और इतने साल देखे आपने मैं जो भाजपा से रहा जो और मेरे से प्राण यहाँ कार्यकर्ता कोई नहीं है हमने तो अडवाणी के लो और अटल जी के लो और मुरली मोहन जोशी के लो उनके लो काम करा और रोहतक तक भी बस हम देखिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर बंदे यहाँ पर तो आप ये बताइए अब जी आप आगे हो मेरे आगे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा समार के ठीक है जी वाजपेयी जी पार्टी थी जो बीजेपी हमेशा ये कहते पुराने कार्यकर्ता कि हमारी पूछ नहीं थी जी तो ये पार्टी भी बदल गई अब नई आ गई है तो भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी वाली पार्टी और इसमें क्या फर्क है फर्क बहुत है बहुत फर्क है जी केंद्र में भी जाओगे हाँ जी फर्क बहुत है जी आपको जवाब देना पड़ेगा जिस वक्त वाजपेयी की सर्व पार्टी ना पार्टी और अटल जी की थी उस वक्त हमारी पार्टी को जनाधार नहीं आता हम 3 नाम भी रहे जब 3 सीटें हमारी तब भी रहे हैं 2 आई तब भी रहे हैं 10 आई तब भी रहे हैं ठीक है नहीं हमारा स्टैंड है हम हिंदू माइंडेड हाँ हमारे बीच में जनसंघ के भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता और आरएसएस से भी होंगे लिंक थोड़े से
होंगे पक्का होंगे, पक्का होंगे जी, पक्का होंगे। सारे काम करने पड़ा। आप बताओ जी, आप मुझे स्पष्ट बात बताना जी, मौजूदा जो पार्टी है नायब जी का कार्यशाल साइड पे कर दो, जो पुराने वाला था 9.5 साल वाला, उसको आप 10 बजे कितने नंबर दोगे? 10 मत मेरा घर का 10 मत 12 दे दूंगा, जो 12 हूँ भाई 12 क्या, 10 में तो ताड़ी ना मार भाई, 10 में तो 12 नंबर नहीं आते होंगे। हाँ 10 ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जी जो पता क्या ईमानदारी की मिसाल रहे हैं। अच्छा। हर गांव के अंदर जो पढ़ा लिखा युग था माली मेरिट के अंदर आया वो दो दो तीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और नारायणगढ़ से चारों के चार सीटें अम्बाला जिला की भारतीय जनता पार्टी जीत, अम्बाला शहर की भी, अम्बाला शहर भी भारतीय जनता पार्टी जीत। अच्छा, जो कैंट की परिस्थिति क्या लगती है? कैंट में तो एक तरफा है, एक तरफ बाबा जी वो जो परी और चित्रा का समीकरण वो साफ हो लिए जी सारे, कोई परी नहीं कोई चित्रा नहीं है। बाबा जी गब्बर सिंह वहाँ बढ़िया है और अपना असीम गोयल बढ़िया वहाँ स्थिति में आ गए हैं, सारे अपना बनिया समाज और पंजाबी समाज ने सभी समाज परसों हुई है प्रोग्राम, हाँ सब ने वहाँ समर्थन दे दिया है। अच्छा, तो हमारे बीच में इन्होंने आगे भी जाना है, चलो आप तो निकलिए जी हैं। तो ऐसा है, पवन सैनी जी गांव-गांव जा रहे हैं, पवन सैनी जी पिलखणी गांव के रहने वाले हैं और सभी हलके के अंदर सभी लोग उन्हें अपना मानते हैं और इस तरह से प्यार मिल रहा है, गांव में बार बार कार्यक्रम उनके हो रहे हैं और लोग कार्यक्रम मांग रहे हैं, वो इतना शेड्यूल उनका टाइट हो गया है कि वो कार्यक्रम इतना लोगों का हजूम उनके पास साथ चल रहा है कि अभी अभी भी धनाना में गए वहाँ ट्रैक्टरों से स्वागत, अभी हम बदोली जाने वाले हैं वहाँ पर एक ट्रैक्टरों का हजूम और मोटरसाइकिलों से लोग वहाँ उनका स्वागत करने वाले हैं। नारायणगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि पवन सैनी जी को नारायणगढ़ से विधायक बनाएंगे और नारायणगढ़ की जो किस्मत पिछले 5 सालों में कांग्रेस को विधायक बनाकर नारायणगढ़ की जनता ने गलती की थी, यहाँ का विकास रोका था, अब वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाकर वो की गति को और तेज करेंगे, डॉक्टर पवन सैनी जी को यहां से दबाएंगे। अब आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने नारायणगढ़ को अपना ही समझा है, अगर एमएलए तो मुख्यमंत्री नारायणगढ़ का बना दिया, ऐसा है और क्या चाहिए, बगैर एमएलए मुख्यमंत्री बन गया और इस बात को क्या देख रहे हो? गर्व की बात है, हमारा उत्तरी हरियाणा की मांग थी, उत्तरी हरियाणा की मांग थी, पहली बार हुआ हरियाणा में, उत्तरी हरियाणा की मांग थी हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये सपना जो पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उत्तरी हरियाणा में जो हमारा अम्बाला है, यमुनानगर है, करनाल है, पंचकूला, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।